कुशीनगर और सहारनपुर में हुई जहरीली अवैध शराब से दर्जनों लोगों की मौत पर प्रदेश की सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों जिलों के जिला आबकारी अधिकारी और सर्किल अधिकारियों को निलंबित कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के दो जिलों में हुई मौतों के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में 8 तथा सहारनपुर में 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें दोनों जिलों के आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है तथा साथ में निर्देश दिया गया है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को लापरवाही इस तरह की घटना घटित हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, विभाग की कार्रवाई कुशीनगर और सहारनपुर में बराबर हुई है। दोनों जगह, दोनों जिलों में जिला आबकारी अधिकारी सहित उससे संबंधित इंस्पेक्टर और सिपाही निलंबित हो गए हैं। जो कुशीनगर में जो व्यक्ति जिसको चिन्हित किया था गांव के लोग ने, राजेंद्र जायसवाल, उसके खिलाफ एफआईआर होके उनको पकड़ भी लिया है। उनके सहयोगी को ढूंढा जा रहा है। दोबारा एक एफआईआर आज भी दर्ज हुआ है, जहां हम लोग ने कई जगह कच्ची शराब का जो इस अभियान के दौरान पकड़ा गया है उसमें भी एफआईआर हुआ है और 8 लोग की मृत्यु कुशीनगर में हुई है। उधर ये जो मृत्यु कुशीनगर में भी हुई है, ये बॉर्डर पर ही इसका निर्माण हो रहा था। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कहीं ना कहीं एक आदमी, ये जायसवाल, कहीं ना कहीं उसको निर्माण करके रखता था, उसी से उसने सबको दिया था। दूसरी ओर सहारनपुर में 36 लोग का देहांत अभी तक हो गया है। संख्या उत्तराखंड का हमको नहीं पता है कितना हुआ है, मगर उत्तराखंड में ही ये शराब पी के और वहीं उत्तराखंड में भी किसी भट्टी पर ये लोग सेवन किए थे, जहां से इन लोग अपने गांव वापस लौट रहे थे उत्तर प्रदेश में, जहां अब 36 लोग का देहांत हो गया है। सूचना जो मिला हमको कि उत्तराखंड ने भी काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है, शायद उस संबंधित व्यक्ति को पकड़ भी लिया और उसको जेल भी डाल दिया और उसके ऊपर गैंगस्टर और क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे स्तर से भी एफआईआर हम लोग ने दर्ज किया है। अपने साइड में भी बॉर्डर पर काफ़ी मात्रा में इस तरह का शराब पकड़ा गया, उस पर भी एफआईआर किया गया और उन लोगों को ढूंढा जा रहा जो इसका निर्माण करते हैं। और बाकी हमारे विभाग की कार्रवाई की भी उसी आधार पर जिला आबकारी अधिकारी और संबंधित इंस्पेक्टर सर्कल के उन सबको निलंबित कर दिया गया और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लापरवाही है। अगर इन लोगों को बनाया गया इसलिए कि वो हर सेक्टर में, और छोटे छोटे हमारे सेक्टर होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते, उसमें अगर सक्रियता से अगर वो काम करें तो ये सब चीज़ मुखबिरी से और आम वहाँ घूमने से ये पता भी चल जाता है। तो हमारे जरूर हमारे विभाग की कहीं ना कहीं कमी आई है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। उसको निर्देश तो कल ही परसों ही जारी हो गया था। हर जगह अभियान चल ही रहा है और तेज़ी से अभियान चल रहा है। पहले भी हम लोग ने अभियान चलाया था, पिछले 2 साल में बहुत भारी मात्रा में हम लोग ने इस तरह के शराब को पकड़ा भी है और अभी और तेज़ी कर दिया इस घटना के बाद। और संयुक्त टीम लेके, जिसमें कई SDM को सभी जिलों में हम लोग ने एक टीम तैयार किया है, SDM और हमारे आबकारी अधिकारी के मिल के और पुलिस के अधिकारी मिल के एक टीम तैयार करके हर जिला में इस अभियान को चला रहे हैं और जहां भी इस तरह का है उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।